अस्सलाम वालेकुम चलिए समझते हैं उर्दू ग्रामर का अगला टॉपिक जिसका नाम है साबका और लाहका बहुत ही छोटा और सिंपल सा टॉपिक है बहुत जल्द समझ में आ जाएगा साबका को आप लोग हिंदी और इंग्लिश में ज़रूर पढ़े होंगे हिंदी में इसको बोला जाता है उपसर्ग साबका को और इंग्लिश में बोला जाता है प्रीफिक्स ठीक है प्रीफिक्स प्रीफिक्स को तो आप लोग जानते ही होंगे हिंदी में बोला जाता है उपसर्ग यानी कि ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर डैट यू पुट एट द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड डैट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स यानी कि वह लेटर या फिर वह लेटरों का समूह जो किसी शब्द के किसी वर्ड के शुरुआत में लग जाए शुरू में लग जाए उसको बोलते हैं और उससे उसका मानी बदल जाए उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है यानी कि उपसर्ग जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए एग्री मतलब होता है सहमत होना उसके आगे डिस लगा दीजिए डिस एग्री मतलब असहमत होना ठीक है पॉसिबल मतलब संभव पॉसिबल के आगे आई एम लगा दीजिए इम तो इम मतलब असंभव सिक्योर मतलब सुरक्षित इनसिक्योर मतलब असुरक्षित ठीक है तो उसी को प्रीफिक्स कोई हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग और उर्दू में बोलते हैं साबका, ठीक है साबका हर्फ या चंद हरूफ एक हर्फ या फिर एक से ज़्यादा हर्फ दो या फिर दो से ज़्यादा का वह मजमू जो किसी लफ्ज़ के शुरू यानी कि शुरू में शुरुआत में लग जाए और उसका मानी बदल जाए उसको बोलते हैं सबका उस हर्फ को बोलते हैं सबका जैसे कि टूट है पहले टूट था आगे क्या लग गया है अल्लिफ लग गया है तो अटूट हो गया है तो इसमें सबका कौन है सबका अल्लिफ है टल था पहले अलिफ लग गया है अटल हो गया है तो इसमें भी सबका क्या है अलिफ है अछूत में भी अलिफ क्या है सबका है अखंड में भी अल्लिफ है नीडर पहले डर था शुरू में क्या लग गया नून लग गया तो यहाँ पर नून क्या है निडर सॉरी सबका है ये हो गया निडर अनपढ़ पहले पढ़ता शुरू में क्या लग गया अन लग गया तो अन क्या है सबका जिसके वजह से अनपढ़ बन गया देखिए मीनिंग भी बदल रहा है पढ़ता पहले अन लग गया तो अनपढ़ यानी कि नहीं पढ़ा लिखा अनमोल पहले मोल था अब अनमोल ठीक है इसमें भी जो सबका है वो है अन है अनजान इसमें भी सबका अन ही है अनदेखा इसमें भी अन ठीक है इस तरह आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है कि मंदर मंदरजैल अल्फाजों का सबका बताए ठीक है थीके? अब देखिए लाका लाका को इंग्लिश में बोला जाता है सफिक्स ठीक है और हिंदी में बोला जाता है प्रत्यय हाँ परत्यय ही बोला जाता है और सफिक्स को भी आप लोग जानते होंगे सफिक्स ठीक इसका उल्टा होता है प्रीफिक्स में क्या होता है किसी भी शब्द के पहले लग जाता है कोई लेटर और सफ़िक्स में यानी कि लाहका में कोई भी वर्ड के बाद में लगता है हर्फ यानी कि हर्फ या चंद हरूफ यानि कि कोई भी लेटर या फिर लेटरों का समूह का वह मजमू जो किसी लफ्ज़ के बाद में लगे इसमें पहले लग रहा था और इसमें बाद में लगेगा जिससे उसका मानी बदल जाए उसे क्या बोलते हैं लाहका या फिर सफ़िक्स बोलते हैं या फिर प्रत्यय बोलिए सिर्फ लैंग्वेज चेंज है मतलब एक ही है कदर दान पहले कदर था अब उसमें क्या जुड़ गया है दान जुड़ गया है तो इसमें का क्या है दान कदरदान कलम दान पहले कलम था लास्ट में क्या जोड़ दिया गया बाद में दान जोड़ दिया गया तो इसमें भी का क्या है दान है ठीक है और कलम दान बन गया ईद था ईद के लास्ट में गाह जोड़ दिया गया तो ईदगाह ठीक है ये का हो गया इसमें गाह क्या है का है दर्दनाक पहले दर्द था लास्ट में नाक जोड़ दिया गया तो दर्दनाक ठीक है इसमें लाका क्या है नाक ये देखिए खिदमत खिदमत तो ठीक है लास्ट में गार जोड़ दिया गया यानी कि खिदमत गार तो इसमें भी क्या है गार का है मददगार ठीक है पहले मदद था फिर उसमें लास्ट में क्या जुड़ दिया गार मालदार इसमें दार गार का है ठीक है अफसोसनाक ठीक है ये हो गया आप लोगों का सबका और लाह का कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं दिख रहा है बस सबका वह हर्फ होता है जो किसी भी वर्ड के पहले लग जाए और लाका वह हर्फ होता है या फिर वह हर्फ का समूह होता है जो किसी भी वर्ड के बाद में लगता है ठीक है तो समझ में आ गया ना यहाँ तक लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट तो यहाँ तक समझ में आ गया ये उर्दू ग्रामर का लास्ट वीडियो था उसके बाद आप लोगों का ये जो उर्दू ग्रामर है ये कंप्लीट होता है और हाँ उर्दू ग्रामर में कोई भी टॉपिक छूट रहा है जिसको मैं नहीं पढ़ा पाई हूँ उसको आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये टॉपिक छूट गया है मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी बाकी सारी चीज़ें जो मेन मेन है मैं उसको बता दी हूँ चैनल के प्ले में इसी चैनल के प्ले में है उर्दू ग्रामर के नाम से प्ले उसको आप जाकर देखेंगे अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं ना तो आप लोग चाहे टेंथ की तैयारी कर रहे हैं ट्वेल्थ की या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की उर्दू ग्रामर में आप लोगों को बेस्ट मार्क्स मिलेगा ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और ख़ुदा हाफिज़